शादी में हो रही है देरी, तो आपको करना चाहिए यह उपाय। यदि किसी की शादी में देरी हो रही है, तो बृहस्पति के उपाय करना जरूरी है। कई बार कुंडली में बहुत सारे ग्रहों के कारण परेशानी आती है। इन उपायों को कर कर जल्दी होगी आपकी शादी। नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करने से विवाह योग्य युवक और युवतियों के विवाह जल्दी हो जाते हैं। विवाह योग्य युवक और युवतियों को हमेशा एक जोड़ नए कपड़े अपने पास ही रखना चाहिए। विवाह योग्य युवक और युवती को गौमाता को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। शादी होने तक हर सोमवार को पीली दाल और कच्चे दूध का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह योग जल्द बनते हैं। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, लेकिन केले को खाना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर कुछ ही हफ्तों में आपका रिश्ता तय हो जाएगा। जब लड़के वाले लड़की को देखने आए, तो कन्या को लाल रंग के कपड़े पहनाएं। इससे बात बन जाएगी और विवाह तय हो जाएगा। हर रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला से करें, तो शादी में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है और जल्द ही विवाह हो जाता है। शिव पार्वती की हर रोज पूजा करने और उन्हें बेलपत्र, कच्चा दूध चढ़ाने, चावल के दाने, सिंदूर चढ़ाने से विवाह के रास्ते खुल जाते हैं और विवाह जल्द हो जाता है। रामचरितमानस का रोज पाठ करें, खासकर बालकांड में शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित अध्याय पढ़ने से विवाह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। इन्हीं सभी उपायों को अपनाकर आप अपने विवाह में आ रही बाधाओं से छुटकारा पा सकते हैं और जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे। इसी तरह की खबरें जानने के लिए आप हमारा पेज सपाटा न्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।